दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ, जब भी कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप एक बात का जरूर ध्यान देते होंगे कि हमें अपनी टिकट के साथ में, टिकट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आईडी प्रूफ होता है। जो भी यात्री यात्रा करते हैं उनके साथ उनका आईडी प्रूफ अगर नहीं है तो यात्रा का टिकट का कोई मान्य नहीं होगा। टीसी एक भारी भरकम सा जुर्माना आप पर लगा सकते हैं, इसलिए आप सब हमेशा ध्यान रखते हैं कि आईडी प्रूफ हमारे साथ हमेशा यात्रा के दौरान मौजूद हो। क्या आपने कभी सोचा है, हम इंसान हैं तो भाई इंसान से गलती हो सकती है, अगर आईडी प्रूफ किसी दिन छूट गया घर या फिर साथ में नहीं है या चोरी हो जाती है, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, कैसे यात्रा करोगे, आप क्या जुर्माना देकर ही यात्रा करोगे? जी नहीं, जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास आपका आईडी नहीं है तो भी आप यात्रा कर सकते हो बिना किसी जुर्माने के। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर ऑनलाइन की टिकट है तो इसके साथ आईडी प्रूफ ज़रूरी है, और अब जो है, पहले की अगर हम बात करें, पहले काउंटर टिकट के साथ में ज़रूरत नहीं होती थी आईडी प्रूफ की, लेकिन अब जो है आईडी प्रूफ काउंटर का टिकट हो या तो फिर ऑनलाइन आईआरसीटीसी का टिकट हो, आपको हर हाल में ज़रूरी है। हालांकि टीटी जो है कई बार व्यस्त होने की वजह से आपसे आईडी कार्ड नहीं मांगते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नियम नहीं है, बल्कि नियम है। वो वीजीए नहीं मांगे, कभी कभार तो टिकट ही नहीं देखने आते हैं कोई, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में देखिए, अगर आपके पास आपका आईडी प्रूफ नहीं है, जैसे कि आपको पता ही होगा ट्रेन में यात्रा करने के लिए किन किन आईडी प्रूफ जो मान्य है, वो है आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और भी इसी तरह के आईडी कार्ड जिनमें आपका फोटो हो जो सरकार द्वारा प्रमाणित हो। तो इस तरह का कोई भी आईडी प्रूफ आप लेकर ट्रेवल कर सकते हो। ऐसे में अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आपको आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी ये सारी बातें बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे। स्मार्टफोन का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डीजी लॉकर, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्य दिया गया है इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन के अंदर में जो भी कोई आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप दिखाकर ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बल्कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें है और आप गाड़ी चला रहे हो तब भी आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को दिखा सकते हो। हालांकि आपके पास जो है एम परिवहन नाम का एक और भी ऐप है जो गाड़ियों से जुड़े दस्तावेज एक्सेप्ट करता है, उसको आप गाड़ी चलाते दौरान दिखा सकते हो, लेकिन डीजी लॉकर को आप ट्रेन में दिखा सकते हो, ये मान्य है। अगर कोई टीसी या टीटी ये जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं डीजी लॉकर को, तो ऐसे में आप उनसे बोलो ठीक है आप चालान कर दो, लेकिन चालान में ये मेंशन करो कि डीजी लॉकर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा नर्वस होते हो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि भाई मैंने डिजी लॉकर दिखाया फिर भी जो है मेरी चालान कट गई, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये सिर्फ शैतानी है, यानी कि लोगों को लूटने का एक जरिया है। हर टीसी या टीटी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि विदाउट डॉक्यूमेंट का चालान काट देते हैं जबकि डिजी लॉकर होने के बावजूद। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डटकर वहाँ पर उनका सामना करना है, तब आप जुर्माना से बच सकते हो। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, डिजी लॉकर तो नहीं है लेकिन स्मार्टफोन है, तो ऐसे में क्या करोगे आप गाड़ी के अंदर बैठकर डिजी लॉकर को डाउनलोड कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स घर में छूटे हैं तो घर फोन करिए, डॉक्यूमेंट्स के नंबर मांगिए, उन डॉक्यूमेंट्स को इसमें अटैच करिए। अटैच करते ही ये ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर में अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर आप इनको दिखा सकते हो। अगर आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है तो आपके साथ में जो को पैसेंजर्स यानी कि सह यात्री जो आपके हैं, आप किसी और के फ़ोन में भी डिजी लॉकर को डाउनलोड करवा के दिखा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मतलब कोई फोन मतलब भाई प्राइवेट स्पेस यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी, तो लोग छूने ही नहीं देते, खासतौर से इस कोरोना काल में तो भाई मतलब कोई पास ही आने नहीं देगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पास स्मार्टफोन रखें और स्मार्टफोन के अंदर में डीजी लॉकर को रखें। अगर आपके पास बेसिक सा छोटा सा फ़ोन है तो ऐसे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को घर पर छोड़ने की गलती न करें। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।